आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर फरार वारंटी आरोपियों को पकड़ा गया। थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाने के बलों के साथ स्थायी वारंटों की तामीली हेतु फरार वारंटियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में कार्यवाही के तहत विभिन्न अपराधों के 160 स्थायी वारंटियों को तामीली किया गया और आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस अभियान में राजनांदगांव पुलिस की 25 टीम विभिन्न क्षेत्रों में वारंटियों की पतासाजी कर रही है और आने वाले दिनों में स्थायी वारंट और गिरफ्तार वारंटी की तामीली की संख्या 200 से पार होने की संभावना है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड सनी वर्मा की रिपोर्ट। अभी जिले में पिछले दो दिनों से स्थायी वारंटी जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे तो उनको गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ी कार्रवाई तेज की गई थी और इसके लिए 25 टीम बनाया गया था पूरे जिले में और जिले के अंदर और प्रदेश के अंदरों से लगभग कल की स्थिति में 61 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 98 स्थायी वारंटों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये 160 के आसपास हमने अभी स्थायी वारंटियों को अरेस्ट किया है, जिसमें से कुछ लोगों की फौत हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके साथ ही भी हमारी 20 टीम लगभग प्रदेश के अंदर और भी है जो अगले 24 घंटे में हो सकता है ये संख्या 200 से पार हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं ये लगातार अभी चलती रहेगी ताकि जो आरोपी लंबे समय से फरार हैं वो जहाँ उनका यथास्थान है वहाँ पहुँच पाएँ और समाज में जो भय व्याप्त है उससे वो लोग निजात मिल सकें। इसके साथ ही जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है वो भी अभी लगातार जारी है जिले के अंदर में, चाहे वो नारकोटिक्स के खिलाफ हो, गांजा के खिलाफ हो या किसी भी प्रकार के खिलाफ किसी भी तरह के जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगा। सरी के जैसे डोंगरगढ़ के हैं, तीन चोरी के जो अपराध के आरोपी हैं वो पिछले 11 साल से फरार थे। एक अंबागढ़ चौकी का है वो पिछले 15 साल से फरार था, चोरी के ही आरोपी हैं। 138 के भी आरोपी हैं, कुछ जो है 420 के एक स्थायी वारंटी है जो डोंगरगढ़ थाना से लाए हैं उसके खिलाफ 15 स्थायी वारंटी 420 का पेंडिंग था और जो पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इस प्रकार से अलग अलग थानों से अलग अलग प्रकार की कहानियां सामने आई हैं। कुछ लंबे समय फरार चल रहे थे, कुछ 302 के नहीं है 379 के ही हैं, 351 379 376 और 34 आबकारी एक्ट इसके आरोपी हैं जो बेसिकली बाहर थे।